अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे एक बहुत डिफरेंट चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली हम बनाते हैं रोस्ट, उससे बिल्कुल अलग है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके लिए सबसे पहले ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है, जिसको कि मैंने ये इस तरह कट लगा लिए सारी चिकन को। ये देखें, सारे नॉर्मल पीसेस हैं। इसको आप इस तरह सारी चिकन को कट लगा लें। इसके लिए देखें, ये मेरे पास कुछ मसाले हैं जिनको के हम रोस्ट करेंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून धनिया के बीज हैं, 2 टेबलस्पून ये मेरे पास सफ़ेद जीरा है, 1.5 टीस्पून काली मिर्च है, 1.5 इंच की तकरीबन ये दालचीनी की हम ले लिए सिनेमन स्टिक, और 4 से 5 लौंगे हैं। इनको हम सबसे पहले रोस्ट कर लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा ये धनिया और काली मिर्च हो गई है। अब ये सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा इसलिए अभी डाल रही हूँ कि नहीं तो ये जल्दी से हो जाता है। और ये मेरे पास खुश्क लाल मिर्चें हैं, 8 से 10 हैं, ये भी इसमें डाल दें। देखिए, ये सारे मसाले जो थे ये हमने पीस लिए रोस्ट करके। अब इसके अंदर ये 3 टेबलस्पून अनारदाना है, जिसको के पीस लिया है। आप चाहें तो पिसावे भी ले लें, लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं होता। इसको भी, अनारदाने को भी पहले रोस्ट करके और थोड़ा ठंडा करके फिर इसको पीस लिया है। और ये 1.5 टीस्पून सॉल्ट है। आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम सारे मसाले को और चिकन के ऊपर हम लगाएंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इस पर बहुत डिफरेंट रेसिपीज मिलेंगी। और पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में उसको शेयर ज़रूर करें। देखें, इस तरह हम इसको ना सारी चिकन को अच्छी तरह हम मैरिनेट कर लेंगे इस मसाले में। ये बहुत ही टेस्टी चिकन बनती है, आप इसे ज़रूर बना कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बिल्कुल हमारे जो आमतौर पर रोस्ट बनते हैं उनसे ये बहुत अलग होती है। और इसमें जब हम इसे स्टीम रोस्ट करेंगे तो इसकी जो स्टॉक बचेगा उससे हम एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी बनाएंगे। ये देखें, तो हमने सारे जो पीसेस हैं ना बहुत अच्छी तरह इस मसाले में कोट कर दिए हैं। जो कट लगाए हैं उनमें भी अच्छी तरह लगा दें। अनार दाने का खट्टापन, जीरे और धनिया का जो फ्लेवर है वो बेहतरीन इसका टेस्ट बनता है। ये सारी चिकन मैरिनेट करके अगर आप इसको पूरी रात के लिए रख देंगे फ्रिज में तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम आप 4 से 5 घंटे इसको मैरिनेट करें तो इसके अंदर तक ये सारा मसाला चला जाएगा। ये देखिए, ये सारी मैरिनेट हो गई है। अब ये जो भी हमारा ये मसाला बचा है ना, हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये 1.5 किलो चिकन के लिए ये बिल्कुल मसाला परफेक्ट है। और ये सारा इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह अब हम इसको रैप करके रख देंगे।
चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट किया था। अब मैं ये स्टीम कर रही हूँ चिकन को। 3/4 cup पानी, 1/2 teaspoon सॉल्ट, और ये थोड़ी सी वेजिटेबल है, एक छोटी सी गाजर थी, 2 हरी मिर्चें जिनको 2-2 करके तोड़ा हुआ है, और एक स्प्रिंग अनियन है स्टिक एक। अब ये सारी चिकन मैं इसमें रख रही हूँ, सारे पीसेस अच्छी तरह सेट करके। आप इसको चाहे तो नॉर्मल स्टीमर में भी कर सकते हैं, या किसी नॉर्मल देगची में नीचे थोड़ा सा पानी डाल के और छलनी में रख के उसको आप इस तरह स्टीम कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर इंस्टेंट पॉट है, इसके अंदर मैं इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करूंगी। ये चिकन स्टीम हो चुकी है। अब ये जो इसका स्टॉक है इसको हम छान लेते हैं। अब इस चिकन को ना हम थोड़ा सा पैन में 1/2 tablespoon बटर और 1/2 tablespoon ही ऑलिव ऑयल डाल के हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये हल्का बटर और ऑलिव ऑयल में कर लेंगे तो ये बहुत टेस्टी हो जाएगा। इसको आप ओवन में भी थोड़ा सा बटर ब्रश करके ना ओवन में 350 फॉरनहाइट पर 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल कोई भी ऑयल या बटर नहीं डाला था। तो देखें इसका पूरा मसाला इसके साथ ही लगा हुआ है और बोटियाँ भी बिल्कुल साबुत हैं। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा बटर, 1/2 teaspoon के करीब बटर, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल 1 teaspoon। इसमें ये एक छोटा प्याज 1/2 जो है ग्रेटेड ये डाल दें, थोड़ी सी प्याज सौते हो गई, 2 क्लोव गार्लिक के, 1 teaspoon प्लेन फ्लावर, 1 teaspoon टोमेटो पेस्ट, और ये जो स्टॉक था ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखें ये ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि मैं 1/2 teaspoon डाल चुकी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।